तो जिया अब जो है सफाई पर लगना पड़ेगा पूरा, तो कल पूरा साफ कर देना है। अच्छा, ढंग से बिल्कुल ढंग से ही किया जाएगा ताकि आपका अपना घर है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। देख सकते हैं चुनाव को उठे, सुबह उठते हैं सबसे पहले बोलते हैं बउआ कहाँ है, तो छोड़ के भाग के दूसरे रूम में आके सो जाते हैं। एक घंटा भी कम से सो तो पता नहीं हम रिकॉर्ड हो गए थे। तो जी आ गए अपने नानी घर से घूम करके, अपने मतलब हो गया जी हम और दिया। जी अपने नानी घर से आई, हम अपने नानी घर से आए, हम तो दोनों नानी घर घूम लिए, दिया का भी नानी घर घूम लिए और अपना भी नानी घर घूम लिए। लेकिन जिया जो है मेरा नानी घर घूम नहीं पाई, वह एक चीज अधूरा रह गया। कोई बात नहीं जी, वह कभी न कभी पूरा हो ही जाएगा। बाकी आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसी तरीके से अभी चल रहे हैं जी, बाहर एक दोस्त का कॉल आ गया है, उसे कुछ काम था तो चलते हैं। तो वहाँ पर गाड़ी लगी हुई है जी, वहाँ पर इंतजार कर रहा है, चलते हैं। तो जी आ गए अपने दोस्त के साथ और आपको बताया था कि क्या एक जरूरी काम है, अभी कुछ देर में आपको बताते हैं क्या काम। तो जी हम निकले थे एक जरूरी काम के लिए, तो आप देख सकते हैं वह कौन सा काम है, सामने वो खा रहा है और हमारा इधर मैगी लगा हुआ है। तो जी यही था हमारा एक बहुत ही जरूरी काम, अब इस काम को पूरा करते हैं और मन से करते हैं। यहाँ पर हो गई जी हमारी पेट पूजा और जहाँ पर अभी हम लोग हमें जी अच्छे से ध्यान है, जब हम लोग यहाँ पर मैगी खाना आया करते थे, बहुत पहले से आ रहे हैं यहाँ पर, तो एक झोपड़ी में यह बनता था सब कुछ और एक झोपड़ी बगल में था बैठने के लिए और झोपड़ी से ये यहाँ तक आ चुके हैं, तो काफी अच्छी तरक्की हुई है। और बात क्या है कि जी टेस्ट भी था, जब मैगी खाते हैं तो इसके खाने में टेस्ट मिला है शुरू से और अभी तक इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो हम तो इधर उतर के जी, सूरज उधर से गाड़ी घुमा करके जा रहा है अब अपने घर की तरफ और अब सीधा चलते हैं घर। बाबू जो है थोड़ा तहलका मचा रखा है, मम्मी जिया डैडी सब लगे हुए हैं काम में और एक जो हमारा क्रियांश है वो भी अपने काम में लगा हुआ है, कि काम में जो है उसको थोड़ा सा सहयोग चाहिए, तो जा रहे हैं और क्रियांश को संभालते हैं। फिर A few moments later. थोड़ा हम आ गए जी घर के अंदर और क्रियांश जो है फिलहाल अभी आया कि नहीं आया, मालिश हो गई? अच्छा नानी आई थी क्या? जैसे गई तैसे उठी। इसके बाबा कहते हैं कि इसको जैसे गई तैसे तुम लोग उठा दिए, बोले किसका मिजाज इसको उठा लेना बताइए, सोएगा तो लोगों को आराम ही है, पोते को कौन उठाएगा, किसका मिजाज है, जाते। क्रियांश का तो नहाना हो गया जी, अब वह सो रहा है और अब बारी है घर के सफाई की, तो लग रहे हैं सारा सामान जो है अस्त व्यस्त है आप देख सकते हैं, तो जल्दी सब जो है इसको ठीक किया जाए और लगते हैं काम पे। यहाँ देख सकते हैं इस रैक को, बचा हुआ इस रैक को साफ करना है, तो जो हमसे नहीं हो सकता वो हमारे पतिदेव करेंगे, है ना पतिदेव? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो चलिए और इधर माँ किचन में काम कर रही है। माँ आज क्या बना रहे हैं? एक भिंडी का भुजिया तो बन गया, दाल तो बन ही गया। हाँ। दाल तो सब दिन बनता है, बनना ही चाहिए। हाँ। सब्जी में एक तो बना रहे, भिंडी का भुजिया बनाया और बैंगन आलू का सब्जी बनेगा अभी, सब्जी बनेगा वर्तमान में। तो माँ बैंगन आलू की सब्जी बहुत अच्छा बनाती है, तो आप लोग भी शेयर करेंगे हम कि माँ कैसे बनाती है। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, पकौड़ी अच्छा लगता है बैंगन का बेसन में डाल के या चौड़ में डाल, लेकिन हम लोग को अलग पसंद है। सब दिन एक ही चीज खाने में भी तो अच्छा नहीं लगता, और तेल भी ज्यादा खाने से तो खराब भी होगा, तो यही बनाना जरूरी है। पकौड़ी में ज्यादा तेल है, बहुत ज्यादा, इसलिए खाना उचित नहीं है हमेशा, और सबके लिए कभी कल खाइए। तो यहाँ पे मैं सरसों तेल डाल दिए और जैसा कि आप देखे इसमें थोड़ा सा हल्दी डाली है पहले, ताकि उसका तेल का झांस जो है घर में नहीं पड़े, उसका है कि नीचे रह जाता है, उड़ता जो है तेल का जहाँ नीचे रहेगा ऊपर नहीं जाएगा। इसमें डाल देंगे जीरा, हम भी किसी से सीखे ही हैं। हाँ, बगल से हमेशा सीखना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि आजकल के बच्चे को भी आता है, लेकिन पहले के जमाने के जो भी इंसान मतलब जो भी है उनको थोड़ा अलग टाइप का आता है। हम लोग ग्रुप में बैठे सब दिन ऑफिस में, पांच महिला दस महिला तो बीच में बैठे हमेशा, तो सबका अलग अलग अनुभव था, सब शेयर की हम लोग सीखे। हाँ। वो भी बात है, ऐसे लोग सीखे।
इसी से दाल में भी छौंक लगा देते हैं। दो बार यूज नहीं करना पड़ेगा दो बर्तन, यह भी एक सीखने की बात है। कढ़ाई में आप जीरा पतरस या मिर्ची जो भी डालिएगा तो दाल को भी तो उसी से छौंक लगाया जाता है, तो उसी में थोड़ा निकाल के निकाल के छौंक लगा दीजिए। इसमें हरा मिर्ची और लहसुन है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, जीरा का थोड़ा सा छौंक लगा दिए और कुछ नहीं। इसमें देना से हल्दी नमक मिर्च पीस कर सुबह इधर मेरा बेटा सोया हुआ है, तो अभी हमारे रूम का हाल आप देख सकते हैं क्या है। इसमें बउआ का सारा ड्रेस है जिसको धोना है। और इधर माँ को भी मौका मिल गया अब खाना खाने का। पोते ने जो है थोड़ी देर के लिए राहत दी है, उतना पोता जो एनी टाइम व्यस्त रखता है। दोपहर के 3 बज रहे और हमारी सफाई अभी तक जारी है। थोड़ा बहुत बचा उसको जल्दी से फ्रेश करते फिर करेंगे स्नान, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। बाबू उठ चुका था तो बाबू को नीचे दे आए, पति देव कुछ काम से बाहर चले गए। उनके भरोसे थे कि थोड़ा ऊपर सफाई हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा था, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ काम आ रहा है तो वो चले गए। कोई बात नहीं, जैसे मुझसे हुआ वैसे मैं कर ली। जल्दी से सब कुछ फिनिश करते फिर स्नान करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। भी आ चुके हैं तो ये लीजिए तेल बउआ, तो दादी आई है मालिश करने के लिए। हो गया तुम्हारा काम? हो गया, कोटेशन निकलवा लूंगी। तो मोलू लेने वाला है बाइक, है ना मोलू? कौन सा बाइक ले रहे हो? पल्सर। वाह, बहुत खुश है, इसके चेहरे से पता चल रहा है कितनी खुशी मिल रही है बाइक लेकर के, है ना? तब वाह, अपना पर्सनल बाइक का खुशी अलग होता है। सही बात। मालिश, दादी आई है मालिश करने के लिए। पापा आ रहे थोड़ी देर में तुम्हारे। क्या अंश, थोड़ी देर में पापा आ रहे हैं, गुच्छा करना तुम ठीक है? गुच्छा करोगे ना? अभी नहीं आ रहे, उधर मत देखो, अभी नहीं आ रहे, बाद में आएंगे थोड़ी देर में। यहाँ क्रियांश को देख सकते हैं, पापा को पुच्छी दे रहा है। क्रियांश पापा को पूछी दे रहे हो? उठा लियो पापा को, पापा बहुत अच्छे में होंगे, उठ जाओ, शॉपिंग पे जाना है पापा, दिवाली शॉपिंग पे जाना है। दिवाली की सफाई जी जारी है, पहले इसको साफ किया जाएगा फिर उसके बाद बाकी जगह को। और यहाँ पर तो हमारा सिल्वर प्ली बटन का एक बॉक्स रखा हुआ था, कहाँ गया वो? इधर गया। हाँ जी, तो एक और सिल्वर प्ली बटन है जिसका हम लोग को कहीं पर टांगना है, पेपर बचा हुआ है। तो हम लोग जी घर तो आ गए हैं और अब जो है दिवाली की सफाई भी होनी है। तो दीदी, दिवाली की सफाई को लेकर क्या किया जाए? वो देखो, हमको जितना होता है करते ही ना, सब दिन करते आए हैं, लेकिन धीरे धीरे समय तो एक रंग नहीं रहता है। अब तो हमारा उम्र भी हुआ, इसमें सबको मिलजुल के सहयोग करना होगा, तब सब सफाई होगा। तो जिया, अब जो है सफाई पर लगना पड़ेगा पूरा, तो कल पूरा साफ कर देना है, टाल मटोल नहीं। अच्छा, ढंग से कीजिए। बिल्कुल ढंग से ही किया जाएगा, ताकि आपका अपना घर है। सही बात है। तो अब ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कल है धनतेरस, तो धनतेरस को लेकर के जो है हम लोग को खरीदारी भी करनी है। तो उम्मीद करते हैं जी आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। हम आप लोग से कहते हैं धनतेरस में सब लोग अच्छा अच्छा सामान लीजिए, भगवान आप लोग को साल भर अमर रखे, फिर अगला साल लीजिए। बिल्कुल जी, सही बात है। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।